नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद। रॉयल संगठन राजपूतों का एक ऐसा संगठन जो रीवा में समाज सेवा कर रहा है। खासकर एक सबसे बड़ी बात, नवयुवक ही ज्यादातर इसमें है। माना यह जाता है कि जो यहाँ के नवयुवक हैं वो समाज सेवा में थोड़ा सा कुछ अपना रोल ज्यादा दिखाते हैं। मैं उस संगठन के बारे में ज्यादा कुछ बोल उससे ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर हमारे पास पूरी टीम मौजूद है रॉयल राजपूत संगठन की। हम इनके सारे पदाधिकारियों से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये संगठन आखिर आपने बनाया क्यों था और इसका क्या उद्देश्य था, आपने अभी तक क्या क्या किया, क्या उद्देश्य था आपके संगठन बनाने का। संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में हो रही कुरीतियों और लगातार हो रहे अपराधों और जो भी समाज में विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए, आपसी मतभेद खत्म करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था, ताकि नवयुवाओं में जो एक नई दिशा उनकी नशे की तरफ जा रही है वहाँ ना जाकर समाज को सुधारने और समाज को बेहतर करने के लिए काम किया। समाज सेवा की बातें तो सब करते हैं, वो आपने भी कर। मेरा सवाल आपसे सीधा सा है कि जैसा कि आपका बड़ा पुराना संगठन है, समाज सेवा की बातें तो सब करते हैं, त्रुटियों मिटाने की बात, आपने ऐसा अभी तक क्या काम किया जिसकी हम ये कह सकें कि आपकी उपलब्धि है। हम लोगों ने पूरे, जहाँ तक रीवा की बात करें या कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, हम लोगों का एक कार्यक्रम होता है कन्या विवाह का। रॉयल राजपूत संगठन धार में हमें हर साल 101 कन्याओं का, 151 कन्याओं का विवाह करता है। और ऐसा नहीं कि उसमें कोई निचले तबके के लोग रहते हैं, बड़े तबके के लोग भी उस विवाह में शामिल होते हैं। ये वाकई एक बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि। आज की तारीख में शादी ब्याह मतलब लाखों का खर्च, और अगर ये इकट्ठा किया जाए और एक समाज जब ये कार्यक्रम करता है तो लगभग ना के बराबर, और उसमें सबसे बड़ा फायदा उनका होता है जो अपनी बिटिया का विवाह नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, एक पुण्य का काम भी इसको कहा जा सकता है। अब आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आप लोग एक विवाह का कार्यक्रम करते हैं धार में, होता आपका संगठन रीवा में, रीवा में या आपने जो कुछ किया हो या भविष्य में आपके करने की योजना हो। रीवा में अभी तक जो हमने कार्य किया है, जो पूरे लॉकडाउन में जो भी यात्री थे उनके खान पान की व्यवस्था, उनको सब चीज़ों की सुविधा प्रोवाइड करते थे हमारे रॉयल संगठन। और भविष्य में हमारा काम ये है कि जो हमारा युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ जा रहा है उसको नशे से हटा के हमें सिर्फ उसको अपने सामाजिक कार्यकर्ता में अग्री करना है। नशे की तरफ से हटाना है, देखिए नशे की बात तो सब करते हैं, तरीका बताइए जिससे हमें, हमारे दर्शकों को जो आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो ये कैसे समझेंगे कि आप किस तरीके से उनको नशे से दूर रखेंगे। जब भी समाज से अलग होता है लड़का, बच्चा, हमारा भाई, वो गलत कार्य को प्रविष्ट करता है। जब हमारे बीच में रहेगा इन सब विसंगतियों से दूर रहेगा। इस कारण से सभी भाइयों को एकत्रित करके एक मंच देना और इस सब कार्यों में जुड़े रहने के लिए उनको प्रेरित करें। वाकई ये एक बड़ी बात है, अगर लोग इकट्ठा रहेंगे तो अगर कोई ऐसा कुछ काम करता है जो सबके सामने नहीं किया जा सकता तो जब वो भीड़ में रहेगा तो उस काम को नहीं करेगा। ये भी एक नशे को दूर रखने की एक बड़ी बात आपकी निश्चित रूप से हो सकती है। जैसा कि नशे के बात आप लोग कर रहे हैं, कन्या विवाह की बात कर रहे हैं, आपका संगठन इन बातों को कर रहा है, और आप क्या अपने संगठन के बारे में और कुछ क्या बताना चाहेंगे। हमारा संगठन जॉब नौकरियों के लिए करता है, ब्लड डोनेट भी करता है, तरह तरह के सामाजिक कार्य करता है हमारा संगठन। हमारा संगठन सभी समाज को लेके चलता है, सबको लेके आप लोग चलते हैं। देखिए संगठन की बातें तो बहुत सारी हो गई, बहुत कुछ हो गया। अब आज की तारीख के कुछ सामाजिक बातों पर बातचीत करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों राकेश की कहते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं किसानों के मुद्दों पर बात करता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि किसान जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? इसके बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, और दूसरी चीज़ मैं किसी भी मतलब ऐसे पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं शुरुआत से रॉयल राजपूत संगठन का एक मतलब पदाधिकारी था, कार्यकर्ता था, और मरते दम तक यहीं पर अपनी सेवा दूंगा। बिल्कुल। और आप बताइए ऐसा कौन सा आप काम करना चाहेंगे जिससे ये लगे कि आपने मरते दम की बात।
हम मरते काम करना चाहते हैं, मरते दम तक ब्लड डोनेट का बहुत अच्छा मतलब वो करते हैं कि भी अपने उसमें ग्रुप में चाहिए रहता है और आपके न्यूज़ वालों में ग्रुप में भी बहुत सारे आते हैं कि ये पॉजिटिव ब्लड डोनेशन का बड़ा काम करना चाहते हैं। हमारा पूरे एमपी में सबसे बड़ा ब्लड कैंप लगा था जबलपुर में 265 यूनिट ब्लड कैंप मतलब एक दिन। देखिए मैं आपको फिर से ठोकूंगा और जैसा कि अभी आपने कहा कि धार में हम कन्या विवाह करते हैं, आपने कहा जबलपुर में हम ब्लड डोनेशन कैंप, मेरा आप लोगों से एक ये सवाल है, रीवा में जैसा कि आपकी नई टीम यहाँ पर आज शपथ भी लेने जा रही है, नई टीम का रीवा में क्या बड़ा कार्यक्रम होगा मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आप ही अध्यक्ष हैं तो आप अध्यक्ष होने के नाते अपने कार्यकाल में ऐसा कौन सा बड़ा काम करना चाहेंगे जिसकी उपलब्धि को तमाम रीवा शहर एक उपलब्धि मान सके। मेरा कार्यकाल जो रहेगा इसमें तो मैं अपने काम करना चाहूँगा कि सामाजिक कार्य हर कार्य में अपने रॉयल आर्मी संगठन का योगदान उसमें सबसे ज़्यादा है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, हर जाति में जहाँ जरूरत पड़ेगी हम सबसे पहले खड़े रहना चाहते हैं ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमारे लिए कोई नहीं आया। हमारे लिए कोई नहीं आया, हम कोशिश ये करेंगे समाज सेवा का हर उस निचले तबके तक पहुंचने की कोशिश करें, उस तबके तक जहां तक अभी आम तौर पर कोई पहुंचना नहीं चाहता, अपने ना हमें किसी जाति से मतलब है ना हमें किसी धर्म से मतलब है, हम राजनीति भी नहीं करना चाहते, हम केवल ये करना चाहते हैं रीवा शहर में खास तौर से रीवा शहर में समाज सेवा का काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे जिसको बहुत दिन तक लोग रीवा के शहर के लोग उस बात को याद रखें।